ओबीसी में सबसे मजबूत जात अपने आप को यादव लोग हैं। तो यादव जी लोग कहते हैं कि हम तो मतलब इकरा से ऊंच हैं, तो हम मतलब ये नहीं है, उस वर्ग में नहीं है, हम शूद्र नहीं है। कुछ यादव लोग ये भी कहते हैं कि हम शूद्र नहीं है। तो वैसे लोग कहते हैं जो अज्ञानी, जिस धर्म को आप ढो रहे हैं, धर्म के नशे में आप चूर हैं, हिंदुत्व के नशे में, वो हिंदुत्व नहीं है, वो ब्राह्मणत्व है, वो ब्राह्मण धर्म है। जिस धर्म में शूद्र आपको कहा गया है, ओबीसी ईबीसी को ही शूद्र कहा गया, जिसको वर्ण के आधार पर बांटा गया, ओबीसी वर्ग के लोग ही शूद्र है। और बोल चाल की भाषा में आप अपने समाज में हम लोग देखते हैं छोट जात बोलना, सोलकन बोलना, ये सब ओबीसी को बोला जाता है। और जिसमें आज भोजन समाज के लोग लगातार ब्राह्मणवादी सिस्टम को छोड़ रहे हैं। बीते दिनों होलिका दहन था, उसको भी लोग छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि होलिका दहन नहीं होना चाहिए। और अभी आप एक शोक सभा में आए, यहाँ भी ब्राह्मणवादी सिस्टम नहीं है, उसको छोड़ दिया गया। न कोई पिंडदान है, न कोई एकारसा है, द्वारसा है, कुछ नहीं है। तो क्या कहेंगे, आज के समय में कितना प्रासंगिक हो गया है कि लोग उसको छोड़ दें? बिल्कुल, हम अगर कहें तो काल्पनिकता के जंजाल मकर जाल से बाहर निकल रहे हैं लोग, और जो अप्राकृतिक है, अमानवीय है, उस व्यवस्था से लोग बाहर आ रहे हैं, वास्तविकता के तरफ आ रहे हैं, प्रकृतिवाद के तरफ आ रहे हैं, मानववाद के तरफ लोग आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है आने वाले भविष्य के लिए भी, भावी पीढ़ी के लिए भी, कि यह बहुत अच्छा माहौल देगा आगे चल करके। यह बहुत बढ़िया है। इस देश में जो व्यवस्था बनी हुई है वर्ण व्यवस्था, उसमें 3-4 लेयर है, उसके अनुसार भेदभाव किया जाता है। उसमें एक सछूत जाति है, एक अछूत है। ओबीसी जिसे सछूत माना जाता है, और जो दलित हैं, एससी हैं, उनके साथ अछूत वाला व्यवहार किया जाता है। तो उनके साथ आज भी अछूतों वाला व्यवहार है। तो वो लोग छोड़ रहे हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन ओबीसी के लोग, आज ओबीसी के लोग ही इस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि इनके साथ तो अछूत वाला व्यवहार नहीं हो रहा है, फिर इनके साथ क्या दिक्कत है, ये हम जानना चाहते हैं। हमारे महापुरुष कहे हैं, मरे हुए मुर्दे को ओबीसी के लोग ढो रहे हैं। वो ब्राह्मणवादी धर्म को कहे हैं हमारे महापुरुष कि वह मरा हुआ मुर्दा है, कुछ नहीं दे सकता वो, और उसको हमारे ओबीसी के लोग ढो रहे हैं। आज अगर परिवर्तन हो रहा है, हमारे ओबीसी के लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है, उनको समझना ही चाहिए। और अगर समझ रहे हैं तो अपनी भावी पीढ़ी को मजबूत कर रहे हैं, अच्छी बात है। भेदभाव की बात कह रहे हैं तो ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग अछूत वहाँ पर कहे तो वो लोग ज़्यादा जागरूक हैं, वो ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं समाज में। उनको टॉर्चर करने वाले में सवर्ण के साथ साथ, सामंती ताकत के साथ साथ, ओबीसी के भी कुछ लोग रहे हैं जो उनके साथ अत्याचार किए हैं, अन्याय किए हैं, तो उनमें ज़्यादा जागृति आई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी के लोग जो अपने आप को, कुछ लोग अंधविश्वास में हैं, धर्म के नाम पर अंधे बने हुए हैं, उनको अभी ये पता ही नहीं है कि वर्ण के नाम पर वो नीच ही है। शूद्र किनको कहा गया? अछूत तो ठीक है, अछूत तो समझ में आती है बात, उनको समझ में आ गई। ओबीसी के लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अछूत मतलब ही सबसे नीचे जात है। लेकिन आप कहाँ हैं, आप किस वर्ग में हैं? जिस धर्म को आप ढो रहे हैं, जिस धर्म के नशे में आप चूर हैं, हिंदुत्व के नशे में, वो हिंदुत्व नहीं है, वो ब्राह्मणत्व है, वो ब्राह्मण धर्म है। जिस धर्म में शूद्र आपको कहा गया है, ओबीसी ईबीसी को ही शूद्र कहा गया है, जिसको वर्ण के आधार पर बांटा गया, तो शूद्र तो साफ साफ कहा है। आप सीधा कह दीजिए कि ओबीसी वर्ग के लोग ही शूद्र है। और बोल चाल की भाषा में आप अपने समाज में हम लोग देखते हैं छोट जात बोलना, सोलकन बोलना, ये सब ओबीसी को बोला जाता है। और जिसमें ओबीसी में सबसे मजबूत जात अपने आप को यादव लोग हैं। तो यादव जी लोग कहते हैं कि हम तो मतलब इकरा से ऊंच हैं, तो हम मतलब ये नहीं है, उस वर्ग में नहीं है, हम शूद्र नहीं है। कुछ यादव लोग ये भी कहते हैं कि हम शूद्र नहीं है। तो वैसे लोग कहते हैं जो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि आपके खून खानदान को किस तरह से ब्राह्मणवादी, जो हिंदू धर्म का जो ग्रंथ सब है, जो कलम कसाईयों ने लिखा है, उसमें
जगह जगह आपको गालियाँ दी गई हैं, शूद्र कह के आपको गालियाँ दी गई हैं, नीच वर्ण कह के आपको गालियाँ दी गई हैं। तो इस चीज़ को जो लोग समझने लगे हैं, जो वो लोग अब विरोध कर रहे हैं और उस सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप थोड़ा सा इतिहास पलट के देखेंगे तो विश्व के लोग जानते हैं साहू जी महाराज को, चाहे ऐसे और भी कई एक हमारे महापुरुष हुए हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जिनको राज तिलक करने के लिए भी ब्राह्मण जो है उस समय की जो व्यवस्था थी कि ब्राह्मण पुरोहित ही राज पुरोहित राज तिलक करेगा, गद्दी पर बैठाएगा। तो कई ऐसा मौका आया है जब वो विरोध किया ब्राह्मण, कहा कि वो शूद्र जाति से है इसलिए मैं उसका राज तिलक नहीं करूँगा। तो ऐसा तो है, हुआ ही है। हमारे ललई सिंह यादव के साथ पक्षपात हुआ है, साहू जी महाराज के साथ में पक्षपात हुआ है, फूले के साथ पक्षपात, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, पेरियार के साथ, सब लोगों के साथ में। यहाँ तक कि वर्तमान युग के बात करें हम तो अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ, उनको तो गोली मार दी गई, जो कहे कि भाई 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, जब वो नारा दिए तो उसमें तो उनको गोली मार दी गई और खुलेआम मंच पर गोली मार दी गई। तो ये भेदभाव है, आज भी बोलचाल की भाषा में है, वो कहते हैं सोलकन है, छोट जात है, ये सब क्या। और यहाँ तक कि हक अधिकार की बात होती है तो हक अधिकार में भी हम देखते हैं कि जहाँ पर नौकरी का बात हो, व्यवसाय का बात हो, कंपटीशन एग्जाम की बात हो, वहाँ भी जाति देख करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है।